Hello everyone, I'm Aditi Dixit from Jawahar Kala Kendra and I welcome you all once again to our online learning session. Aaj hamara Pavan Goswami sir ke saath third aur last session hai guitar ka. So let's begin. Thank you, Aditi. Ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good evening all. Namaskar. I hope you all are good, safe and healthy. So aaj hum start karenge पहले कल के छोटे से रिवीजन से और उसके बाद फिर हम आज जो नई बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे. तो आप लोग तैयार है ना, कॉपी गिटार और पेन के साथ, और गिटार ट्यून होगा ये आपका. जैसे मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था, गिटार का ट्यून होना बहुत जरूरी है, तो आपने अपना गिटार ट्यून कर लिया होगा. तो आइए हम शुरू करते हैं. कल हमने बात की थी मेजर स्केल्स की. देखिए, स्केल्स मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं किसी भी म्यूजिक को प्ले करने के लिए. बहुत सारे डिफरेंट स्केल्स होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम सबसे पहले हमें मेजर स्केल्स सीखने होंगे, क्योंकि मेजर स्केल से ही आगे डेवलपमेंट हुआ है सारा. तो आपको मेजर स्केल अच्छे से आना जरूरी है, और मेजर स्केल के बाद ही फिर आप माइनर स्केल्स, ब्लू स्केल्स, पेंटाटोनिक स्केल्स, वो सारा डेवलपमेंट उसी मेजर स्केल के बेस पे होता है. तो मेजर स्केल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और उस फॉर्मूले के बेस पे हम कोई भी मेजर स्केल आराम से बना सकते हैं. और मैंने आपको नोट्स का साइकिल भी बताया था कि नोट्स कैसे मूव करते हैं गिटार पे, या नोट्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, और गिटार में वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था. तो जैसे मैंने बताया था आपको कि सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी. और जो सी शार्प है वो डी फ्लैट है, जो डी शार्प है वो ई फ्लैट है, और जो एफ शार्प है वो जी फ्लैट है, और जी शार्प जो है वो ए फ्लैट है, और ए शार्प जो है बी फ्लैट है. यानी कि एक नोट के दो नाम होते हैं जिनको एंड हार्मोनिक नेम्स कहते हैं म्यूजिकल टर्म में, लेकिन आप इनको शार्प फ्लैट दोनों एक ही पिच के दो नाम होते हैं. लेकिन आपको ये कब कौन सा नोम यूज करना है ये आपको धीरे धीरे जब आप फर्दर एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ हमें सी शार्प बोलना है, कहाँ हमें डी फ्लैट बोलना है, कहाँ हमें डी शार्प बोलना है, कहाँ हमें ई फ्लैट बोलना है. तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको कि कन्फ्यूज मत होइए. कई बार बोलते हैं डी शार्प का स्केल बताइए और आप कन्फ्यूज होते हैं, तो वो डी शार्प जो स्केल है वो ई फ्लैट ही है बेसिकली. तो इस तरह से आपको नेमिंग का सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमको नेम मालूम है वो प्रॉपर है कि नहीं है. और उसके बाद फिर मैंने बात कही थी टोन सेमीटोन की. तो टोन क्या मैंने बताया, जैसे टोन है मूविंग अहेड विथ स्किपिंग अ नोट, दिस इज कॉल्ड टोन. जब आप एक फ्रेट को जंप करके दूसरा नोट बजाते हैं तो वो उसका टोन होता है. जैसे ये फर्स्ट फ्रेट है, उसके बाद मैं थर्ड नोट बजाऊंगा, थर्ड फ्लैट बजाऊंगा, तो इसका मतलब ये इसका टोन हुआ. यानी कि फर्स्ट फ्लैट फर्स्ट स्ट्रिंग का कौन सा है, एफ नोट है, और मैंने फिर बजाया थर्ड नोट थर्ड फ्लैट, तो वो है जी. तो यानी कि एफ का जी है वो टोन है, जी जो है एफ का टोन नोट है. यानी कि एक हमने स्किप किया तो वो जो स्किप किया वो सेमीटोन नोट था, यानी कि एफ शार्प जो है वो एफ का सेमीटोन है. तो अब आप समझ गए होंगे सेमीटोन और टोन क्या है. सेमीटोन मूविंग अहेड और बैक without skipping a note is called semitone, जिसको half step भी बोलते हैं. Moving ahead or back without skipping a note is called semitone. और tone क्या है, moving ahead or back with skipping a note is called tone. ठीक है, तो tone semitone हमें idea है तो हमें बहुत आसानी होगी बहुत सारी चीजों को आगे समझने में. अब मैंने आपको बताया था major scale का formula कि major scale कैसे बनते हैं इस टोन सेमीटोन के बेस पे. ठीक है, तो जो टोन सेमीटोन है वो है टोन, जो फॉर्मूला है वो ही है. आप अगर नहीं लिख पाए कल या आप स्किप हो गया है आपसे, तो आप इसको आज फिर दोबारा लिख लें. टोन टोन सेमीटोन, और फिर सेकेंड लाइन में लिखें टोन 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 सेमीटोन, यानी कि टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन. ये हुआ किसी भी मेजर स्केल को बनाने का फॉर्मूला. ये एक थोड़ा सा आसान तरीका है जिसके बेस पे आप इजीली, और इससे आपको नोट आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी. आपका जो ये जगलिंग है नोट्स की वो भी आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगी. तो टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन. अब देखिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको वापस से एक बार. कल हमने सी का एग्जाम्पल लिया था, आज हम डी मेजर का स्केल लेते हैं. तो अगर मान लो हमें डी मेजर स्केल बनाना है, आप एक बार ध्यान रखें, जब भी कोई स्केल बजाएं या बनाएं पहले पहले इसको कॉपी में लिख लें, उसके बाद इसको फिर प्ले करने की कोशिश करें नोट्स को सर्च करके आइडेंटिफाई करके इसमें कौन-कौन से शार्प या फ्लैट लग रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए हम इस फॉर्मूले से डी मेजर का स्केल बनाते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डी टू डी लिख लेना है अपन को, यानी कि डी ई एफ
जी ए बी सी और डी, ठीक है, एक बार दोबारा लिख लें, डी ई एफ जी ए बी सी और डी। तो ये डी टू डी आपने आठ नोट लिख लिए। अब हमें मालूम नहीं है इसमें शार्प लगना है या फ्लैट लगना है, तो अब हम देखेंगे डी से ई क्या है, टोन है, ठीक है, तो रूट इसका बाद टोन आ गया तो ई आ गया, ई के बाद हम फिर टोन देखेंगे तो एफ शार्प आएगा, तो यानी कि अब एफ को हम शार्प कर लेंगे क्योंकि ई का टोन क्या है, फॉर्मूला क्या है, टोन टोन सेमी टोन, यानी कि टोन हो गया डी का ई हो गया, अब ई के बाद ई का टोन हो गया एफ शार्प, तो अब हो गया ई का टोन हो गया एफ शार्प, यानी कि टोन टोन। अब सेमी टोन क्या है, एफ शार्प का टोन सेमी टोन क्या है, जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जी। तो नोट क्या बने, डी ई एफ शार्प जी, तो टोन टोन सेमी टोन ही कंप्लीट हो गया। अब जी के बाद फिर टोन, तो जी का टोन है ए, फिर उसके बाद वापस से टोन, ए का टोन है बी और बी का टोन है सी शार्प, ठीक है ना, क्योंकि बी और सी के बीच में गैप नहीं होता मैंने बताया था, तो यानी कि अब जो बी का टोन हुआ वो हुआ सी शार्प, तो यानी कि अब सी को हम शार्प कर लेंगे इसमें, तो अब हो गया अपना डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प और डी, यानी कि डी मेजर स्केल में दो शार्प लगे, ये हमें आराम से हम टोन टोन सेमीटोन के बेस पे हमने बना लिया। चलिए एक एग्जांपल से और हम समझते हैं, इससे और ज्यादा शायद क्लियर हो जाए आपको। अब हम बनाते हैं ई मेजर का स्केल, तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, ई से ई लिख लेना नोट, सबसे नेचुरल नोट लिख लीजिए पहले ई से ई, ये मानते हुए कि आपको नोट्स के पता नहीं है कौन से शार्प लगेंगे कौन से फ्लैट लगेंगे, तो आपने लिखा ई एफ जी ए बी सी डी और ई, ये आप सबसे पहले लिख लिए अपनी कॉपी में, ई एफ जी ए बी सी डी और ई, तो इस तरह से ये आप नोट लिख लिए। अब हम देखेंगे ई का टोन क्या है, फॉर्मूला अपना क्या है, टोन टोन सेमीटोन टोन 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 सेमीटोन, ये आप फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा, फिर जब स्केल बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और एक फॉर्मूले के बेस पर आप सारे मेजर स्केल बना सकेंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप अलग अलग स्केल्स में अलग अलग सॉन्ग्स बजाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपको स्केल पता होंगे तो आप उस सॉन्ग को उस स्केल के अंदर ही सर्च करेंगे, राइट। तो अब हमने देखा ई का टोन क्या है, ई का टोन है एफ शार्प, तो अपना एक टोन हो गया, उसके बाद एफ शार्प का टोन क्या है, जी शार्प, यानी कि ई एफ शार्प जी शार्प, ये तीन नोट मिल गए हमें, तो एफ को और जी को शार्प कर देंगे हम, राइट, ई एफ शार्प और जी शार्प। अब उसके बाद आया सेमीटोन, यानी कि जी शार्प सेमीटोन क्या है, ए, बिल्कुल ठीक है, तो ई एफ शार्प और जी शार्प और फिर ए, ये बन गया अपना चार नोट बन गया अपने, टोन टोन सेमीटोन, पहली लाइन कंप्लीट हो गई अपनी, ई एफ शार्प जी शार्प और ए। अब फिर हम करेंगे टोन 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 सेमीटोन, यानी कि अब ए के बाद से क्या है, बी टोन हुआ, फिर सी शार्प का टोन हुआ, फिर डी शार्प एक टोन हुआ, फिर सेमीटोन ई, यानी कि दूसरा लाइन क्या बना अपना, ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी शार्प ई, यानी कि स्केल में चार शार्प लगेंगे, एफ शार्प सी शार्प जी शार्प और डी शार्प। तो नोट स्केल क्या बना ई का, ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी शार्प और ई, तो ये ई मेजर स्केल हुआ। तो अब हमने सी मेजर सीख लिया, डी मेजर सीख लिया और ई मेजर सीख लिया, राइट, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दें, मैं आपको बताऊंगा वापस से अगर समझा दूंगा अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो। उसके बाद हम अब बनाते हैं चलिए एफ का स्केल, राइट, एफ मेजर का स्केल क्या है, एफ टू एफ लिख लेंगे वैसे ही सी से, एफ जी ए बी सी डी ई और एफ। तो एफ का स्केल में ए एफ, एफ का टोन हुआ जी, जी का टोन हुआ ए और ए का टोन हुआ ए का सॉरी हाँ एफ जी, एफ का जी हुआ टोन, जी का टोन हुआ ए, ए का टोन हुआ सॉरी सेमीटोन हुआ ए शार्प, यानी कि अब ए शार्प। लेकिन देखिए वेस्टर्न म्यूजिक में एक रूल है कि कोई भी एक पिच नेम दो बार नहीं आएगा, तो यानी कि एफ में एफ जी ए और ए शार्प हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ए एक बार अपने स्केल में आ चुका, तो ए शार्प का दूसरा नाम क्या है, बी फ्लैट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बी फ्लैट। तो यहाँ पे हम
बी को फ्लैट बोलेंगे, ए शार्प नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि कहाँ हमें फ्लैट बोलना है कहाँ शार्प बोलना है, नोट वही है, बजाने में वही नोट आएगा, लेकिन उसको जब लिखेंगे हम तो उसको लिखेंगे एफ जी ए बी फ्लैट। अब बी फ्लैट आ गया, उसके बाद फिर टोन सी, और फिर इसके बाद टोन डी, फिर ई, और फिर सेमीटोन एफ, यानी कि एफ का स्केल में केवल बी फ्लैट लगता है। तो यानी कि एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई और एफ, ये अपने हुए एफ का स्केल। यानी कि याद करने वाली बात क्या है कि डी मेजर में दो शार्प, एफ शार्प और सी शार्प, ई मेजर में चार शार्प, एफ शार्प सी शार्प जी शार्प डी शार्प, एफ मेजर में एक फ्लैट बी फ्लैट, और जी मेजर में भी हम इस तरह से बनाएंगे तो जी मेजर में आएगा एफ शार्प केवल। आप बना के देखिएगा, आप आराम से बना पाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ एफ है वो शार्प हो रहा, बाकी सारे नेचुरल नोट्स हैं। इसी तरह से ए में तीन शार्प लगेंगे, ठीक है, यानी कि ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए, ये हुआ ए मेजर का स्केल, राइट। अब आएंगे हम बी मेजर स्केल पे, तो बी मेजर में पांच शार्प लगेंगे, यानी कि बी और ई को छोड़ के सारे नोट्स शार्प हो जाएंगे, यानी कि बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प और बी, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ, समय अपने पास कम है, हम आज आखिरी दिन हमारे सेशन का, तो काफ़ी चीज़ें हमें करनी है आज, कोशिश करेंगे हम बहुत सारी चीज़ें सीख लें। तो फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आपको ये नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ आराम से समझ में आ जाएंगे, और एक बार आप फिर अपने आप से जब क्लास सेशन ख़त्म हो जाए आपका, उसके बाद आप फिर बनाइएगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये नोट्स कैसे आए, मतलब कौन से स्केल में कौन सा शार्प लगा, फ्लैट लगा और क्यों लगा। आप लॉजिकली समझ जाएंगे कि इस स्केल में शार्प या फ्लैट क्यों लगे, या यही शार्प फ्लैट क्यों लगा, ये जानना एक बहुत जरूरी है। हम सिर्फ रटके बजाने से हमें कोई मतलब नहीं, आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे स्केल्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसका सेंस नहीं है, वो आपको सेंस डेवलप नहीं करेगा। आप स्केल्स को जब खुद बनाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आप नोट्स को समझेंगे और उसके साथ आपको एक फीलिंग आएगी, हाँ ये स्केल मैंने खुद बनाया है और फिर मैं आप खुद को बजाऊंगा। तो स्केल्स को आप मेजर स्केल्स आपको उस तरह से आप सारे बना सकते हैं, कोई भी स्केल हो, चाहे वो एफ शार्प का हो, बी फ्लैट का हो, ई फ्लैट का हो, या कोई भी स्केल हो, अब आप इजीली बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये टोन टोन सेमीटोन और टोन 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 सेमीटोन का जो फॉर्मूला है, ये आपको आराम से आपको स्केल बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और ये बहुत प्रूवन फॉर्मूला है, और इसको होल स्टेप हाफ स्टेप ऐसे भी बोलते हैं। तो आप कहीं ये सुने तो आप टर्म तो इससे घबराए ना, जो होल स्टेप है वो टोन है और जो हाफ स्टेप है वो सेमीटोन है, ठीक है। तो इस तरह हमने स्केल को मेजर स्केल्स बना लिए। आप मेजर स्केल्स को प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि देखिए गिटार क्या है, बॉक्सेस में बजता है, तो आप पहले इन चार या पांच फ्रेट में पहले प्रैक्टिस कीजिए, आप मतलब पहले फर्स्ट पोजीशन को आप पहले याद कीजिए। जब आपकी यहाँ कमांड हो जाए, आपको यहाँ पे नोट्स क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, आपकी फिंगरिंग प्रॉपर हो जाए कि कोई फिंगर क्लैश ना करे आपस में या ओवरलैप ना करे, तो उस फिंगरिंग के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताता हूँ सारे स्केल सी से लेकर बी तक बजा के बता रहा हूँ, उसको आप कोशिश कीजिए उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी टाइमिंग कैसे सही रहे, जिससे आप आगे तक टाइमिंग के साथ चलें, क्योंकि तो म्यूजिक में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बेसुरा चल जाएगा बेताला नहीं चलेगा, तो बेताला से मतलब वो ये है कि अगर टाइमिंग से अलग चल रहे हैं तो फिर आपको वो चीज़ गलत लग रहेगी और वो बहुत अखरेगी सुनने वाले को। तो हम चाहते हैं कोई भी चीज़ बजाएं तो वो टाइमिंग के साथ बजाएं। तो टाइमिंग कैसे होगी इसकी, क्लिक जैसे मेट्रोनोम आप समझते होंगे, मेट्रोनोम बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स होते हैं उनमें तो आता है, इनबिल्ट होता है, उसका साउंड क्लिक होता है, बेसिकली वो क्लिक का साउंड होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से एक साउंड चलता है, क्लिक चलता है। ऑनलाइन भी मेट्रोनोम आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो तो टाइमिंग उसकी स्पीड क्या रखनी है। देखिए म्यूजिक में बीट्स की जो स्पीड है उसको हम नापते हैं बीपीएम से, यानी कि बीट्स पर मिनट, ठीक है, इसका जो पैरामीटर है वो बीपीएम कहलाता है, ठीक है। तो बीपीएम में क्या है, बीट्स पर मिनट, यानी कि उस पर आप लिखा होता है, ऑप्शन होता है आपके पास कि आप कितने बीट्स पर मिनट पे किस स्पीड से बजाना चाहते हैं अपनी स्केल्स को। सपोज हमने 90 का स्पीड रखा तो 90 की स्पीड से आप उसके अकॉर्डिंग आपको बजाना होगा, और आप जो कम रखेंगे तो कम। तो पहले आप स्टार्ट कीजिए 60 से, मैं सजेस्ट करूंगा आपको 60-65 से ज़्यादा ना रखें, और उस पर भी दिक्कत आ रही हो तो फिर आप उसको थोड़ा और कम कर लें। जैसे आप कमांड आती है फिर धीरे धीरे 5-5 के इस रेशो में आप उसको बढ़ाएं, यानी कि पहले 50 शुरू करें, 55 फिर 60 फिर 70 ऐसे चलते आए, तो आपको आसानी से आप ग्रिप बनेगी। अब मैं बजा रहा हूँ जैसे,
देखिए मेरे कीबोर्ड में मैं मजा रहा हूँ मैं 1 2 3 4 1 2 ये चल रहा है तो ये 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हर क्लिक के ऊपर मैं एक नोट को प्ले कर रहा हूँ ये चल रहा है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 तो अब इसकी स्पीड को अगर बढ़ाना हो तो एक तरीका तो ये है मेट्रोनोम की स्पीड को बढ़ा दें या फिर हम अपनी प्लेइंग को डबल कर दें यानी कि एक बीट में दो नोट बजाने लग जाए बीट को डिवाइड कर दें यानी कि एक बीट चल रही है 1 2 3 4 ये बीट चल रही है तो 1 and 2 and 3 and 4 एंड यानी कि सी डी ई एफ जी ए बी सी पी ए जी एफ ई डी सी इस तरह से हम जो स्केल के नोट्स हैं उनको बांट देंगे जो 8 नोट्स हैं उनको हम हर बीट पे दो नोट बजाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा नहीं वन एंड मैं भी पहले बजा रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 वेस्टर्न म्यूजिक में लास्ट नोट को रिपीट नहीं करते जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक में सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा जैसा बोलते हैं लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में सी डी ई एफ जी ए बी सी और बी ए जी एफ ई डी सी लास्ट नोट रिपीट नहीं होता हम एक बीट का रेस्ट करते हैं ठीक है तो अब बजाया हमने सी डी ई एफ जी ए बी सी ये हमने एक बीट में डबल नोट कर दिया मतलब स्पीड को डबल कर दिया जैसे दोगुन गाना बोलते हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई जी एफ ई डी सी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई जी एफ ई डी सी सी डी ई ये अब एक बीट में मैं दो नोट प्ले कर रहा हूँ टेम्पो भी चल रहा है 2 3 4 5 6 7 8 ये चल रहा है 1 and 2 and 3 and 4 and 3 and 3 and 4 इस तरह से ये चल रहा है अलग अलग टेम्पो लेकिन हमको अब इसको और चौंक देना अब एक बीट में मैं चार नोट प्ले करो तो इस तरह से हम बीट्स को अलग अलग डिवाइड करके हम प्ले करेंगे तो हमारी स्पीड पे भी कंट्रोल आएगा और एक राइट मैटर के थ्रू हमारी स्केल्स की बैठ जाएगी हमारा हाथ खुल जाएगा तो जब आप स्केल प्ले करें तो आप स्केल्स में पहले सिंगल बीट पे यानी कि जो मेट्रोनोम की बीट चल रही है क्लिक चल रहा है उसके क्लिक के साथ साथ नोट बजाएं ये चल रहा है क्लिक तो इस क्लिक के साथ 1 2 यानी कि डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी सी शार्प बी ए जी एफ शार्प ई डी इस तरह से हम चलेंगे या फिर हम सी डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी एस तरह से हम एक बीट में डबल नोट कर दिया हमने और एक बीट में दो नोट प्ले करने लगे और एक बीट में सी डी ई एफ जी ए बी सी बी ए जी एफ ई डी सी एक बीट में चार नोट यानी कि हम एक राउंड में ही पूरा स्केल्स को प्ले कर लेंगे यदि ये पैटर्न है सही तरीके पैटर्न है प्रैक्टिस करने का आपकी स्केल्स का इससे क्या होगा आपको एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी स्पीड कितनी है आप ट्रैक कर पाएंगे आपको और आप जब भी प्ले करें स्केल्स को तो मेट्रोनोम के साथ प्ले करें ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बिना मेट्रोनोम के आप स्केल को ना बजाएं या इवन कोई भी चीज़ ना बजाएं क्योंकि टाइमिंग का परफेक्ट होना बहुत मस्ट है तो टाइमिंग के लिए आप प्लीज़ मेट्रोनोम का यूज़ करें आप जब ये हैबिट में आपके आ जाएगा जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिनिंग से मेट्रोनोम यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आप बिल्कुल टाइमिंग के साथ बजाएंगे और अगर तू टाइमिंग गड़बड़ा रही होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी टाइमिंग गड़बड़ा रही है मुझे इसको ठीक करना है तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम स्केल्स को प्ले करेंगे राइट तो इस तरह से हम टाइमिंग के साथ स्केल्स को प्ले करेंगे अब आते हैं हम माइनर स्केल्स पे ठीक है मेजर स्केल्स आपको समझ में आ गए होंगे इनको कैसे प्रैक्टिस करना है मैंने बता दिया आपको और कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछिए तो ये तो हुआ आपका मेजर स्केल का मामला अब आप समझते हैं माइनर स्केल्स अब ठीक है अब ये मेजर माइनर क्या होते हैं बेसिकली इनका आपस में रिलेशन क्या है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए तो मेजर माइनर बेसिकली एक दूसरे के समझ लीजिए आप जैसे कजिन्स होते हैं हम लोग उस तरह से ये दोनों एक तरह से रिलेटिव होते हैं बेसिकली है ना इनको रिलेटिव बोलते हैं कि इस मेजर का कौन सा रिलेटिव माइनर है या इस माइनर का कौन सा रिलेटिव मेजर है
ये रिलेशन इनका आपस में समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे गाने आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों कॉर्ड्स यूज होते हैं, मेजर कॉर्ड्स भी यूज होते हैं, माइनर कॉर्ड भी होते हैं, यानी कि माइनर स्केल भी होता है, मेजर स्केल भी होता है। तो हम जब समझ जाएंगे कि कौन सा स्केल है, कौन सा क्या है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा उससे, ठीक है। तो माइनर स्केल को समझना बहुत जरूरी है, इनका रिलेशन समझना जरूरी है। अब देखिए बहुत अच्छी बात है कि माइनर में बहुत सारे सॉन्ग बने हैं और मेजर माइनर का रिलेशन अगर आप समझ गए तो आप बहुत अच्छी चीज़ें बजाने लग जाएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब आप बात करते हैं माइनर स्केल्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। माइनर स्केल्स बड़े तौर पर तीन तरह के मानते हैं हम, एक तो नेचुरल माइनर, एक हार्मोनिक माइनर और एक मेलोडिक माइनर, ठीक है। और नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर और मेलोडिक माइनर, ये आप चाहे तो नोट कर लें। तीन तरह के माइनर मोटे तौर पे मानते हैं, नेचुरल माइनर, हार्मोनिक माइनर और मेलोडिक माइनर, राइट। अब रिलेशन से क्या मतलब है कि रिलेटिव, मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, तो कैसे रिलेटिव है वो? वो रिलेटिव इस तरह से है कि मान लिए सी का स्केल बजा रहे हैं हम, तो सी डी ई एफ जी, ये स्केल है सी का, ठीक है ना। तो ये बजाया हमने सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब इस सी मेजर स्केल्स का जो सिक्स नोट है, मतलब किसी भी मेजर स्केल का जो उसका सिक्स नोट होता है, ये बहुत बड़ी की बता रहा हूँ आपको मैं, हो सकता है आप लोगों को पता हो, और नहीं पता तो आप ये बात जान लें। हर मेजर स्केल का जो सिक्स नोट है, यानी कि छठा नोट जो होता है, सिक्स नोट उसका रिलेटिव माइनर होता है। यानी कि सी मेजर का सिक्स नोट कौन सा है? सी डी ई एफ जी ए, यानी कि ए जो है वो सी का रिलेटिव माइनर है, ठीक है। तो यानी कि एक चीज हमें मालूम चली कि हर मेजर स्केल का छठा नोट जो होता है वहां से उसका माइनर स्केल शुरू होता है। मतलब हम जब स्टार्ट करते हैं सी को, तो सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी के नोट्स हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब क्या हुआ, अब आपको अगर मान लो रिलेटिव माइनर बजाना है उसका, तो यानी कि ए इसका रिलेटिव माइनर, ये मालूम चल गया, तो अब जो साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सी की जगह अब ए हो जाएगा और खत्म हम ए पे करेंगे, यानी कि नोट्स वही यूज करेंगे सी डी ई एफ जी ए बी सी, लेकिन अब स्टार्ट सी से ना करके ए से स्टार्ट करेंगे। तो अब नोट क्या बनेंगे, ए बी सी, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी ए, ये हुआ है ए माइनर के नोट्स, ए बी सी डी ई एफ जी ए जी एफ ई डी सी डी ए, ये हमारा हमारा ए माइनर स्केल। यानी कि ए माइनर स्केल में क्या हुआ, नोट्स सेम के सेम यूज हुए, बिल्कुल वही यूज हुए जो हमने सी मेजर में किए थे, यानी कि सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब ए का माइनर का स्केल हुआ ए से, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी ए, जो टोनल पॉइंट था वो चेंज हो गया और उसका माइनर बन गया वो, ठीक है। इस बात को हम और आसानी से समझ सकते हैं अगर हमें तुरंत मालूम करना है कि कौन से स्केल का कौन सा रिलेटिव माइनर है, ठीक है। तो हम सिक्स स्ट्रिंग में जो है, ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको बहुत हेल्प करेगा पहचानने में। मान लीजिए ये ए है अपना, तो ए पे आपने फर्स्ट फिंगर रख ली ए नोट पे सिक्स स्ट्रिंग के, और जो फोर्थ फिंगर है उसको रख लिया आपने, मतलब वन टू थ्री फोर, यहाँ से की फोर्थ फिंगर जो है वो मेजर है और जो फर्स्ट फिंगर है वो उसका रिलेटिव माइनर है, यानी कि सी मेजर है। तो सी का रिलेटिव माइनर पता करना हो हमें एक बार, तो हम एक बार में कैसे मालूम चलेंगे, ये मालूम चलेगा हमें कि फर्स्ट फिंगर जो हमारी ए पे है, यानी कि सी का रिलेटिव माइनर ए है। अब हम किसी भी उस पर फिंगर पे, किसी भी फ्रेट बोर्ड, मतलब सिक्स स्ट्रिंग के किसी भी फ्रेट पर फिंगर रखेंगे तो हम उसका रिलेटिव माइनर मालूम करेंगे। मान लो मैं रखता हूँ ये टेंथ फ्रेट पे, तो टेंथ फ्रेट क्या है सिक्स स्ट्रिंग का, डी, ये डी नोट है, तो डी का हमें मालूम करना है कि कौन सा अपना रिलेटिव मेजर है, सॉरी माइनर है, तो ये वहां से फोर फ्रेट चलेंगे तो पीछे चलेंगे फोर फ्रेट, यानी कि वन टू थ्री, डी डी को काउंट करेंगे तो फोर हो जाएगा, डी सी शार्प सी और बी, यानी कि बी जो है डी का रिलेटिव माइनर है, ठीक है। इस तरह से हमने मान लीजिए ये मैंने ए पे रखा, ए पे फोर्थ फिंगर रखी, तो अब यहां से मैं वन टू थ्री तीन फ्रेट पीछे जाऊंगा, तो ये फर्स्ट फिंगर मेरी जहां पे है वो है उसका रिलेटिव माइनर, यानी कि एफ शार्प, यानी कि एफ शार्प जो है वो ए का रिलेटिव माइनर है। तो हमें ऐसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी स्केल, किसी मेजर स्केल का
माइनर क्यूरेटिव माइनर कौन सा है। अब बात आती है कि माइनर के टोन्स पे, देखिए जो अलग अलग मैंने माइनर बताए वो नेचुरल माइनर में क्या है, जो नोट है वो एज इज उसके चेंज होते हैं और टोनल पॉइंट चेंज होता है, वही यूज होते हैं और टोनल पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो वो तो हो गया नेचुरल माइनर। अब जो नेचुरल माइनर है उसी का हम अगर सेवन नोट रेज कर देंगे, यानी कि एक सेमीटोन रेज कर देंगे, उसको अप कर देंगे, तो वो हो जाएगा हार्मोनिक माइनर। अब हार्मोनिक माइनर का टोन देखिए, पहले मैं आपको नेचुरल माइनर का टोन बताता हूँ जो ए माइनर है उसकी, फिर आपको मैं उसकी बताऊंगा। तो यानी कि नेचुरल माइनर का टोन है ए बी सी डी ये हुआ नेचुरल माइनर। एक बार सुन लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी ए जी एफ ई डी सी बी ए ये हुआ नेचुरल माइनर। देखिए कॉर्ड्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉर्ड्स ए माइनर वही रहेगा, ये लीड की बात कर रहा हूं मैं, लीडिंग की अभी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको हार्मोनिक प्ले करते हैं, इसका हार्मोनिक बनाते हैं हम। तो हार्मोनिक बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें सेवन नोट को रेज करना होगा। तो ए माइनर का सेवन नोट कौन सा है, जी। तो यानी कि अब जी की जगह हम जी शार्प प्ले करेंगे, राइट। तो ए बी सी डी ई एफ जी शार्प ए जी शार्प एफ ई डी सी बी ए, यानी कि ये टोन हो गया, ये हो गया ए हार्मोनिक माइनर। तो बेसिक जो है हार्मोनिक माइनर का क्या फर्क है, नेचुरल हार्मोनिक माइनर में बस जो सेवन नोट है वो रेज रहता है, यानी कि सेवन नोट को एक सेमीटोन बढ़ा देंगे तो वो उसका हार्मोनिक माइनर बन जाएगा। अब आप जब एडवांस म्यूजिक सीखेंगे, थोड़ा सा और वेस्टर्न म्यूजिक में अंदर जाएंगे, तो आपको मालूम चलेगा कहाँ हमें नेचुरल माइनर बजाना है या कहाँ हमें हार्मोनिक माइनर यूज करना है या कहाँ पे हमें मेलोडिक माइनर यूज करना है। मेलोडिक माइनर में जाते वक्त असेंडिंग और डिसेंडिंग अलग अलग होते हैं। इन दोनों माइनर्स में क्या था, नेचुरल हार्मोनिक माइनर में असेंडिंग से सेम होता है, जैसे कहे वैसे ही आएंगे, लेकिन जो मेलोडिक माइनर है उसमें असेंडिंग अवस्था कुछ और है, मतलब असेंडिंग के नोट्स कुछ और है और डिसेंडिंग के कुछ और है। तो असेंडिंग में क्या होता है, जो नेचुरल नोट्स नेचुरल स्केल है नेचुरल माइनर का, सिक्स और सेवन नोट रेज जाएगा और जब हम लौटेंगे इससे तो उसमें वापस वो फ्लैट हो जाएंगे, मतलब जो नेचुरल माइनर की पोजिशन थी वो ही बजेगी। तो इस तरह से तीन तरह के माइनर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको माइनर हो गया। आप एक बार दो मिनट अपनी कॉपी में देख लें, एक सेकंड के लिए, मतलब एक बार एक झलक अपनी कॉपी में देख लें और समझ लें कि आपने जो सीखा, आपने जो अभी मैंने जो बताया उसमें से क्या क्या आपको समझ में आ गया और क्या क्या आपसे छूट गया। तो मैं कोशिश करूंगा अगर वो जो छूट गया है उसको एक बार छोटा सा फिर वापस रिकैप करके आपको रिवाइज कर सकूं। एक मिनट आप कॉपी देख लीजिए प्लीज सब तक। ठीक है, चलिए। तो आपको मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कॉर्ड्स की। देखिए है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉर्ड्स भी जनरेट होते हैं मेजर या मतलब स्केल जो है उसी से कॉर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कुछ कॉर्ड्स के फॉर्मूले बता रहा हूँ कि मेजर स्केल, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड या सस्पेंडेड कॉर्ड या सेवंथ कॉर्ड या मेजर सेवंथ कॉर्ड हम कैसे बनाएं। देखिए कम समय है अपने पास, इसलिए मैं आपको हर चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली कम बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अगर ये फॉर्मूले लिख लेंगे और फॉर्मूले समझ लेंगे और कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी आगे कंटिन्यू करने में। आप जब आगे परस्यू करेंगे गिटार को तो आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। तो क्योंकि इतने कम समय में आपको कोई गाना सिखाना है या कोई मेलोडी सिखाना वो बहुत मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं, और वो भी आप में से बहुत सारे लोग बिगिनर्स भी होंगे। तो आप, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके दिमाग में। जब आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्लेइंग में फिर मजा आएगा, क्योंकि आपको पता होगा आप क्या बजा रहे हैं और क्यों बजा रहे हैं, है ना। एक हर चीज को आप रट के यूट्यूब से देख के नहीं बजा सकते, आप चीजों को समझ के बजाएंगे तो आप ज्यादा उसको रिलिश कर पाएंगे और उसका ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ मेजर स्केल कॉर्ड्स बजाने का फॉर्मूला। एक मेजर कॉर्ड्स बनाए तो आप कैसे बनाए, देखिए कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। कॉर्ड्स को ट्रायड भी बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ थ्री नोट्स, ट्रायड मतलब, और जब कॉर्ड्स होते हैं उसमें अपन एट नोट भी लगाते हैं और कुछ और एक्सटेंडेड नोट्स भी लगाते हैं। तो कॉर्ड्स में क्या होता है बेसिकली, आप पहले लिखिए
मेजर कॉर्ड बजाने का फॉर्मूला, मेजर कॉर्ड्स का फॉर्मूला, यानी कि 1, 3 और 5, हर स्केल का पहला, तीसरा और पांचवा नोट जो होगा वो एक कॉर्ड को बिल्ड करेगा, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को मिला के एक कॉर्ड बनेगा, तो वो होगा मेजर कॉर्ड, अगर मेजर स्केल संभल लेगा तो, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए सी का कॉर्ड बनाना है, सी मेजर कॉर्ड बनाना है, तो सी मेजर कॉर्ड कैसे बनेगा, सी आपने ले लिया, सी फिर ई और जी, और इसको पूरा करने के लिए हम सी को यूज कर लेंगे एक नोट को, यानी कि सी ई जी सी, तो ये हुआ सी का कॉर्ड हो गया। इस तरह से अगर डी का बजाएंगे तो डी, इसका थर्ड नोट बताइए एफ शार्प, और फिफ्थ नोट क्या है ए, और फिर एट नोट वापस डी, यानी कि 1, 3, 5 बीट को जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा डी मेजर कॉर्ड। अब ई मेजर कॉर्ड, यानी कि ई, जी शार्प और बी, तो ये हुआ ई मेजर कॉर्ड, ठीक है। तो ये अपना है, मतलब किसी भी स्केल का अगर हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को पिक करके एक ट्रैड बना देंगे और उसमें फिर एट नोट भी जोड़ देंगे इसके बढ़ाव के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए कॉर्ड को, तो वो बन जाएगा मेजर कॉर्ड, और अगर माइनस स्केल से करेंगे तो फिर वो माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो अब और बाकी कॉर्ड्स भी कैसे बनते हैं बताता हूँ आपको। तो मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला आपने लिख लिया, 1 यानी कि रूट प्लस थर्ड ऑफ इसके बाद फिफ्थ, यानी कि रूट, जैसे एग्जांपल को आप लिख सकते हैं सी का सी, थर्ड नोट इसका ई होता है तो ई, और उसके बाद फिर जी फिफ्थ नोट है, तो सी ई जी, ये हुआ अपना सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर नोट्स के कॉर्ड क्या हुआ, सी ई जी, और सी को प्ले करेंगे बाद में तो वो सी मेजर कॉर्ड पूरा हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको डी मेजर कॉर्ड बजाना है, तो डी के नोट्स क्या है, डी 1, 3, 5 जो है डी एफ शार्प और ए फिर डी, यानी कि हो गया डी मेजर कॉर्ड, ठीक है। इस तरह से ई का बनाएंगे तो ई, जी शार्प और बी, ये हो गया अपना ई मेजर कॉर्ड, राइट। अच्छा एफ का बनाएंगे तो एफ, ए और सी, तो अब आप बताइए एफ, ए और सी बन गया एफ का कॉर्ड। अब मान लीजिए जी का बनाना तो क्या बनेंगे, जी बी और डी। इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले भी कि स्केल्स अगर याद नहीं होंगे तो आपको ये कॉर्ड्स आप फिर रटेंगे, आप कॉर्ड्स की शेप गूगल से या यूट्यूब से देख के रट मारेंगे, लेकिन वो रटने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला आपको, है ना। आप रटा हुआ बजाएंगे तो उसमें एक मैकेनिज्म होगा, वो एक है ना, वो हार्ट नहीं होगा उसमें जुड़ा हुआ, और म्यूज़िक क्या है, हार्ट की चीज़ है, दिल की चीज़ है, तो दिल जोड़ने के लिए आपको उसमें दिमाग भी लगाना होगा और दिल भी जोड़ना होगा, राइट। तो आप सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि सब चीज़ों को समझ के बजाना है। आप पहले ये हमेशा डिमांड रखिए अपने आप से कि मुझे पहले कंसेप्ट को समझना है, ये कॉर्ड बनाया तो कैसे बनाया है, इसमें ये नोट्स क्यों लग रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप अच्छी तरह से प्ले कर पाएंगे। यानी कि डी का कॉर्ड क्या हुआ, डी एफ शार्प ए, ई का ई, जी शार्प बी, ये जब मुझे सारे स्केल मेजर स्केल याद है अच्छे से टंक्रिप्ट में मेरे, इसलिए मैं इनको बहुत जल्दी से आपको बता पा रहा हूँ फ्लुएंटली। आपको अगर मैं आपको टास्क दूंगा तो आप काफ़ी टाइम ले लेंगे सोचने के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि बी मेजर का स्केल बताओ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, या कहूँ आपसे ए मेजर स्केल बताओ तो ए मेजर स्केल का कॉर्ड बताओ ए मेजर का, तो ए मेजर कॉर्ड ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगेगा। उस्तर आप में से बहुत लोग बैठ के बजाते हैं, आपने ये बैठा हुआ है कि ए मेजर स्केल होता है, ए मेजर कॉर्ड होता है, सॉरी ये ए मेजर कॉर्ड होता है, तो आपने ये दो पोजीशन आपने बैठ ली, आपने बजा लिया, लेकिन नहीं, ये तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको नोट्स तो याद रखनी है, साथ पोजीशन तो याद रखनी है, साथ में नोट्स को भी याद रखना है कि इस कॉर्ड में कौन कौन से नोट लगे हैं, यानी कि ए सी शार्प ये हुआ ए का, और बी का बी, डी शार्प और एफ शार्प, ये हुआ बी मेजर कॉर्ड। तो ये आप ध्यान रखिए जब आप कॉर्ड बजाएं तो उनकी, फिर उसके बाद आप शेप पे जाइए। अब देखिए उसके बाद एक चीज और याद रखनी है कॉर्ड्स में, कि एक होता है रूट, एक होता है इन्वर्जन, ठीक है। एक हम प्ले करते हैं रूट नोट, रूट कॉर्ड, सॉरी रूट कॉर्ड क्या है, जो रूट से डेवलप हुआ, यानी कि सी से सी, ई और जी। और इन्वर्जन क्या है, गिटार में क्या है कि बहुत सारे कॉर्ड्स की पोजीशन आपको रूट के हिसाब से नहीं मिलेगी, सी रूट के हिसाब से, सी तो सी से बन गया आपका, सी ई जी सी, लेकिन बहुत सारे कॉर्ड आपको अलग स्केल से बनाने होंगे, ठीक है ना, तो उसमें पहला नोट दूसरा आएगा, तो वो इन्वर्जन होते हैं। खैर वो हम बाद में समझेंगे, आप पहले रूट कॉर्ड बनाना सीख लीजिए और उसके बाद फिर आपको ये बनाए। अब लिखिए माइनर कॉर्ड बनाने का फॉर्मूला, माइनर कॉर्ड कैसे बनेंगे, माइनर कॉर्ड बनेंगे 1 फ्लैटन 3, याद रखिए मैं फ्लैटन बोल रहा हूँ, फ्लैट नहीं बोल रहा हूँ, 1 फ्लैटन 3 और 5, यानी कि 1 क्या हुआ, सी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, सी का तो सी हुआ
और उसका फ्लैटन मतलब थर्ड नोट को एक सेमीटोन कम कर दिया हमने, तो यानी कि ई का ई फ्लैट हो गया, तो सी ई फ्लैट और फिफ्थ तो वही जी है तो जी हो गया। तो यानी कि सी माइनर बनाने के लिए हमें नोट क्या यूज करेंगे हम, सी ई फ्लैट और जी, ये सी माइनर कॉर्ड हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि थर्ड नोट को हम एक सेमीटोन कम कर देंगे तो वो मेजर स्केल में से, तो उसको वो माइनर कॉर्ड बन जाएगा, जो मेजर कॉर्ड है उसका थर्ड नोट एक सेमीटोन कम कर दिया तो वो माइनर कॉर्ड बन गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप किसी भी मेजर से माइनर आसानी में आते हैं, उसके थर्ड नोट को एक सेमीटोन कम कर दीजिए, सेमीटोन कम कर दीजिए, फ्लैटन कर दीजिए, मतलब अगर मान लें सी ई जी है तो ई को एक कम किया तो ई फ्लैट हो गया, ऐसे हमने डी एफ शार्प ए है तो डी एफ ए कर दिया तो वो डी माइनर कॉर्ड बन गया। मेजर कॉर्ड क्या, डी एफ शार्प ए, और माइनर कॉर्ड क्या हुआ, डी एफ ए। इस तरह से जी में क्या हुआ, जी बी डी, यानी कि जी बी और डी, आप जी को अब बी फ्लैट कर देंगे तो वो जी माइनर कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपने कोई सा भी आप मेजर और माइनर कॉर्ड बजा पाएंगे। अब इनकी मैं कुछ शेप्स आपको बता देता हूँ जिससे कुछ आपको लगे कि हमको कॉर्ड प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करनी है। आपको मैं कुछ कॉर्ड्स की शेप बताता हूँ जिनसे कॉर्ड डेवलप हुए, उससे आपको आसानी हो जाएगी कॉर्ड्स बजाने में, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, ठीक है। देखिए अब ये अपना ओपन कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो ये सी मेजर की पोजीशन है, यानी कि फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे थर्ड फिंगर लगाई सी, और ये ई, फिर जी ओपन, थर्ड स्ट्रिंग ओपन जी, और सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे सी, और फर्स्ट और सिक्स्थ स्ट्रिंग को हम प्ले करेंगे, तो ये सी मेजर कॉर्ड होगा, ठीक है। अब डी मेजर के ओपन कॉर्ड की पोजीशन क्या है, ये हमने डी ओपन, डी ओपन, फिर ए, ये देखिए ट्राइंगल बना हुआ है, यानी कि ए पे हमने रखा फर्स्ट फिंगर, जो सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट डी है उस पे रखी हमने थर्ड फिंगर, और फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट पे रखी सेकंड फिंगर, तो ये हुआ डी मेजर और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें इस ई को मत बजाइएगा, सिक्स स्ट्रिंग को अवॉइड कीजिएगा, सिक्स स्ट्रिंग का स्ट्रोक नहीं करना आपको क्योंकि इसकी फैमिली में नहीं आ रहा है ना, डी मेजर में ये फैमिली में नहीं आता, तो फर्स्ट स्ट्रिंग को लेके बजाना, जब स्ट्रमिंग करेंगे तो हम इसको बजाएंगे। अब ई मेजर बात करें तो ई मेजर ये देखिए, ये फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर रख लिया हमने सेकंड फिंगर, और उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर रख लिया तो हमने ई पे नोट रख लिया, यानी कि बी ई और जी शार्प, यानी कि थर्ड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर फर्स्ट फिंगर रख ली तो ये बन गया ई मेजर कॉर्ड। अब इसी तरह से ई मेजर से ये फर्स्ट फिंगर हटा लेंगे तो ये ई माइनर कॉर्ड बन गया, राइट। इसी को नीचे ले जाएंगे, ई मेजर को अगर नीचे ले जाएंगे एक फ्रेट नीचे कर देंगे तो वो बन जाएगा ए माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब पहला सवाल कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करते हैं कॉर्ड्स की, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं कॉर्ड्स पहली बार बजा रहे हैं तो देखिए सबसे पहले सी मेजर पकड़ लीजिए, सी मेजर कॉर्ड। अब इसमें जो थर्ड फिंगर है इसको शिफ्ट करके और बाकी दो फिंगर वहीं रहे और ये थर्ड फिंगर को आप नीचे ले आइए, यानी कि ए पे ले आइए, तो ये ए माइनर कॉर्ड बन गया सी मेजर ए माइनर। अब इस ए माइनर को एक एक शिफ्ट कर लीजिए ऊपर, वो हो गया ई मेजर। तो अभी पहले आप स्टार्टिंग में इस तरह से पहले कोई भी तीन कॉर्ड पकड़ लीजिए, तो ये जो कॉर्ड मैंने बताया ये बिल्कुल आसपास है, और इससे धीरे धीरे ग्रेजुअली आप शिफ्टिंग की आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करें, डाउन 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 डाउन, यानी कि वन टू थ्री फोर चेंज वन, यानी कि आप ए माइनर सी के बाद थर्ड फिंगर को उठा के आप ए पे ले आए और इसको शिफ्ट कर लिया ऊपर, वन टू थ्री फोर अगेन वापस सी, यानी कि सी 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 ए माइनर ए माइनर ए माइनर पहले डाउन डाउन स्ट्रोक के साथ पहले स्विचिंग प्रैक्टिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट काउंट के बाद चेंज करें टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
Okay, fit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1. जब आपको लगे कि स्विचिंग इजीली हो रही है तो आप फिर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 1. तो आपको एक कॉन्फिडेंस लग जाएगा, आपकी स्विचिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी और फिर आप दूसरे कॉर्ड पोजिशन की तरफ चलेंगे. ऐसे आप छोटे छोटे पहले कॉर्ड पोजिशन पकड़े जिन पे फिंगर आस पास हो, तो आपको जल्दी स्विचिंग करने में की हैबिट हो जाएगी और आपको लगेगा कि स्विचिंग मतलब इतनी मुश्किल नहीं है. हालांकि जो दिक्कत आती है वो स्विचिंग में ही आती है. और एक चीज़ बहुत याद रखें कि देखो गिटार में सबसे बड़ा जो मैंने अपने गुरु से सीखा है वो ये है कि आपको राइट हैंड जो है आपका कंटिन्यूस चलना चाहिए. जहाँ पे आप कितना भी टाइम लग रहा हो, मान लीजिए आपके यहाँ से ये फिंगर लगाने में बहुत टाइम लगता है, अब तो आपका थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, ये हाथ चलने दीजिए. अगर आप ये करेंगे, आप इसके बाद सोच रहे हैं फिर आप बजा रहे हैं ऐसे, तो ये फिर आपका फ्लो कभी नहीं बनेगा. फ्लो नहीं बनेगा तो कॉर्ड्स कभी नहीं बजा पाएंगे आप. अगर आपको अच्छे कॉर्ड बजाने हैं, एकदम कड़ा बजाना है, तो आपको राइट हैंड आपका कंटिन्यू चलना चाहिए. 2, 3, 4, 1, 2, 3. जब आपकी स्विचिंग पैटर्न हो जाए, आपको लगे हाँ अब आप कॉन्फिडेंस आ गया स्विचिंग में, तो आप फिर विदम पैटर्न पे ध्यान दें. यानी कि पहले आप डाउन 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 कर लेते, अब डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप. फिर इसको डाउन अप स्पीड बढ़ाते थोड़ा सा, जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा हाथ कॉन्फिडेंट हो गया. डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इस तरह से आप और ठीक हो जाना. लेकिन सब कुछ कैजुअली. तो इस तरह से आप जब ये आपका हाथ फ्री होना चाहिए बिल्कुल, ये जितना लूज रहेगा उतना अच्छा आप स्ट्रम कर पाएंगे और उतना बेटर आप आपका साउंड करेगा कॉर्ड. शुरू में आपको थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं करेगा कॉर्ड्स में, आपको लगेगा कि मजा नहीं आ रहा, कितना साउंड आ रहा है, कितना हार्श साउंड करता है कई बार ये, तो हंसता आपको घर पे भी आपको रोके, अरे ऐसा मत बजाओ, ये क्या बजा रहे हो, ये कौन सा गिटार है. लेकिन आप बिल्कुल निराश ना हो, स्टार्टिंग में आप कोई भी घर का ऐसा कोना पकड़ लें जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम हो लोगों को, आपको भी फिर के बाद आप ये राइट हैंड को, और जब आपको लगे कि आप अभी प्ले नहीं करते तो सिर्फ इसको म्यूट कर लें राइट से और डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से आप प्ले करना शुरू कर दें. देखिए मैं आपको रिदम पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉर्ड की पोजीशन तो आप बैठ के कहीं से भी आप देख लेंगे, ठीक है, आपको होस्ता कोई आपका फ्रेंड बता दे या होस्ता आपको यूट्यूब से देख लें, आप कैसे भी कर लें, लेकिन रिदम पैटर्न है वो उसको समझना बहुत जरूरी है. ये हाथ का मूवमेंट कैसा हो ये इंपॉर्टेंट है. कॉर्ड्स तो क्या है, जो शेप्स है वो तो आपने याद कर ली कैसे भी करके, और जब आपको शेप याद हो गई तो उसके बाद सारा खेल शुरू होता है. इस हाथ का जो मेन जो की है कॉर्ड्स प्लेइंग की वो रिदम है. बहुत से लोग समझते हैं कि हमें कॉर्ड मतलब यहाँ से इनको शेप आती है तो वो बहुत बहुत खुश फील करते हैं कि नहीं अब तो हमें सारे कॉर्ड्स आ गए, जबकि नहीं, कॉर्ड्स में इंपॉर्टेंट आपके रिदम है, आप रिदम के हिसाब से कैसे कैसे चलते हैं, ठीक है. तो अब रिदम का हम थोड़ा सा समझते हैं कि टाइम सिग्नेचर समझते हैं पहले, जब हम उसके बाद आगे परस्यू कर पाएंगे. टाइम सिग्नेचर क्या होता है ये मैं बताऊँ आपको. जो बीट होती है वो सेक्शन होते हैं बीट के, वो डिवाइड करते हैं बीट्स को, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. ऐसे मेनली टाइम सिग्नेचर एक जो मेन कॉमन टाइम सिग्नेचर होते हैं वो है 2/4, 4/4 और 3/4. आप लिख लें एक बार 2/4, 3/4, 4/4. और भी सारे टाइम सिग्नेचर है 6/8, 7/8, 5/8, बहुत सारे टाइम सिग्नेचर हैं, लेकिन 9/8, 12/8, लेकिन अभी हम समझेंगे 3/8. लेकिन अभी हम समझ रहे हैं पहले कॉमन टाइम सिग्नेचर जो थोड़े से जो मोस्टली यूज होते हैं मॉडर्न म्यूजिक में, जो ज़्यादा यूज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रमिंग करेंगे, हम अपना सीखेंगे तो हमें कॉर्ड्स में आसानी होगी, ठीक है. तो अब मैं बात कर रहा हूँ 4/4 टाइम सिग्नेचर, यानी कि एक बार में, यानी कि एक साइकिल में, एक बीट की साइकिल में 4 क्रॉचेट बीट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ये हुआ एक आपका 4/4 डाउन 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 डाउन, जो मोस्टली म्यूजिक आपको 4/4 मिलेगा. 70-80% गाने
मेलोडी आपको 4/4 में कंपोज मिलेगी। जहाँ ये बहुत पॉपुलर टाइप म्यूजिक है। अब हम बात करते हैं 2/4 की, देखिए 1 जो जंपिंग सॉन्ग है, थोड़ा से ये चक चक ये रिदम जिसकी ज्यादा मोस्टली रहेगी वो 2/4 में होते कंपोज। डाउन 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 1 2 1 1 2 1 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
फ्लो बन जाएगा और आपको आप कॉर्ड्स को एंजॉय करना है. डाउन अप डाउन अप डाउन वन टू यानी कि आप इसकी चाल जो है इसकी जो वन टू वन टू वन टू ये इसकी चाल है, ये पैटर्न है. तो इस पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे. तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ठीक है, ये 2/4 है. तो इस पे बहुत सारे आपको गाने मिलेंगे. अब आपको धीरे धीरे जब गाने सुनेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें इस रिदम में कौन सा रिदम पैटर्न चल रहा है, कौन सा टाइम सिग्नेचर यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अब आपको जब रिदम बजाएंगे उस गाने की या उस गाने में कोई गा रहा है उसका अकम करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि हमें बेसिकली क्या है. रिदम क्या है, जो अकम जो ड्रमर्स या जो पर्कशनिस्ट होते हैं वो प्ले करते हैं वही हमें गिटार पे प्ले करना होता है, यानी कि हमें फॉलो करना होता है रिदम प्लेयर को. तो रिदम का एक बहुत बड़ा रोल है गिटार प्लेइंग में. रिदम आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है अगर आप कॉर्ड्स प्ले करना चाहते हैं तो. बहुत से लोग एक सिंपल रिदम पे ही सारे गाने गा लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है. आपको ओरिजिनल रिदम को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए. आपको रिदम पैटर्न्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है कि कौन कौन से रिदम पैटर्न होते हैं, क्या क्या उनका स्टाइल होता है बजाने का, और उसके अकॉर्डिंग तो एक गिटारिस्ट को एक ड्रम को सुनना भी बहुत जरूरी है, तबले को सुनना भी बहुत जरूरी है, और उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. उसी के अकॉर्डिंग फिर वो जिस तरह का गाना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्ले कर सके, है ना. जैसे फोक सॉन्ग है तो फोक के अकॉर्डिंग आप रिदम प्ले करें, कोई रॉक सॉन्ग है तो रॉक के अकॉर्डिंग, और इस तरह से जो भी जॉनर का सॉन्ग है अपना उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिदम को ढाल के बजा सके. ठीक है, तो ये तो अपनी हुई 2/4 और 4/4 की बात. अब होता है 3/4, इसे बॉल में रिदम भी बोलते हैं. डाउन अप 1 2 3 1 2 3 डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप. देखिए मेरे हाथ का राइटिंग का मूवमेंट आप देखिए. डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन. देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी कि 1 2 3 ये वॉल्स रिदम है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. अब देखिए पहली बीट जो रिदम पहली बीट होती है वो स्ट्रॉन्ग बीट होती है. पहले भी हम आप स्ट्रॉन्ग जो एक्सेंट मारे उसके बाद आप डाउन डाउन आप सिक्स एट रिदम कैसे होती है. 1 2 3 4 बहुत से लोग 3/4 और 6/8 पे कंफ्यूज होते हैं. 3/4 क्या है, 1 2 3 1 2 और 6/8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3/4 1 2 3 1 2 6/8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
तो कॉर्ड्स प्ले करते वक्त हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी शेप जो है वो प्रॉपर हो. हम जब फिंगर प्ले कर रहे हैं कॉर्ड्स की टोन जो है एक एक स्ट्रिंग साफ है, चाहे हम बार कॉर्ड बजाएं या फिर हम ओपन कॉर्ड बजाएं या किसी तरह कॉर्ड बजाएं, तो सबसे पहले चेक कर लें एक एक स्ट्रिंग उसमें प्ले हो गई, यानी कि अपने फिंगरिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है, चाहे ओपन कॉर्ड हो चाहे बार कॉर्ड हो. बार कॉर्ड में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको बता दिया है, उसको अकॉर्डिंग आप आराम से बार कॉर्ड को प्ले करने लगे, ऐसा नहीं होगा. बार कॉर्ड आपको प्रैक्टिस से आएंगे, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा आपको, थोड़े से फिंगर में स्ट्रेस आएगा नो डाउट, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे तो धीरे धीरे फिंगर्स खुलती जाएंगी. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जब स्केल्स और जो एक्सरसाइज आप जब करेंगे तो आपकी फिंगरिंग काफ़ी स्टिफनेस की निकल जाएगी, तो आपको बार कॉर्ड बनाने में इतनी मुश्किल नहीं होगी. क्या होता है, हम जब स्टिफ हाथ से प्ले करते हैं ना तो उसमें फिर दिक्कत आती है, वो हमको प्ले होता नहीं हमसे बार कॉर्ड, क्योंकि फिंगर्स को उतना स्टैमिना नहीं होता फिंगर्स का. तो सबसे पहला काम हमको फिंगर का स्टैमिना बिल्डअप करना होता है, और जब फिंगर का स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बजाने में, बार कॉर्ड हो चाहे वो हाफ बार हो या कैसे भी बार हो. आप ये बार है, आप अगर बार बजाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती तो आप हाफ बार कर लें, और वरना बहुत से लोग कैपो भी यूज़ करते हैं, लेकिन कैपो का यूज़ मेरे ख्याल में वॉइसिंग के लिए करना चाहिए, ना कि आपको इससे बचने के लिए कि आप बार कॉर्ड नहीं बजे तो आप कैपो यूज़ कर लें. एक बार आपने इससे बचने के लिए कैपो यूज़ करना शुरू किया तो फिर आप बार कॉर्ड शायद बहुत लंबे समय तक नहीं बजा पाएंगे, या आपका फिर मन ही नहीं करेगा, आपको लगता है कैपो लगा लो. आसान रास्ता चुन लेंगे तो आप फिर मंजिल को नहीं पा पाएंगे, इसलिए आपको पहले कैपो का यूज़ नहीं करना है, ये आप मान के चलो. पहले मेरे हिसाब से आपको पहले फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको बार कॉर्ड के लिए आपके हाथ को रेडी करना है. आप पहले एक बार इसको रख के आप थोड़ा सा काउंट किया कीजिए, जितनी देर काउंट कर सकते हैं. तो एज लॉन्ग एज यू स्टे ऑन दैट फेटबोर्ड विथ योर बार, तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा आपका धीरे धीरे. फिर इसके बाद बाकी नोट्स लगाएं तो आपका ये प्ले करने में आपको आसानी होगी. एकॉस्टिक ग्राम थोड़ा सा और आपको प्रेशर लगेगा, लेकिन आपको ये करना है, और आपको ये मान के चलिए कि आपको ये अच्छे से करना है, तो आपको धीरे धीरे आपको फिर हैबिट होती जाएगी और आप आराम से बजाने लग जाएंगे. और बार कॉर्ड आने के बाद सारा खेल रिदम का है, आप पूरा फोकस कीजिए रिदम पे. अलग अलग रिदम्स को सुनिए, अलग अलग ड्रम लूप सुनिए, अलग अलग और ग्राइवर्स को सुनिए, जो वो कहाँ कहाँ कौन कौन से रिदम्स पे क्या क्या प्ले कर रहे हैं, क्योंकि लीड भी हो चाहे वो कॉर्ड्स हो, जब आप डिवाइड करेंगे ना उनको बीट्स के अकॉर्डिंग, ये समझ आपको आ गई कि बीट्स के साथ हमको चलना है खेलना है, तो फिर आपको आपको फिर आनंद आने लगेगा, आपको मजा आने लग जाएगा. ठीक है, आपका ये आपको ध्यान रखना है. तो विदम पे आपको बहुत चीज करना है. अब जो बात है वो ये है कि विदम पैटर्न हमने सीख लिए, अब स्विचिंग की प्रैक्टिस हमको करनी है. मेन जो फोकस करना है स्विचिंग पे. देखिए, मैं मेरा ये मानना है कि तीन तरह की शेप जो है क्लोज कॉर्ड में वो सबसे इंपॉर्टेंट है. एक तो आपने ये बार लगाया, उसके बाद ये वाली पोजिशन लगाई जो ई मेजर की पोजिशन है आपकी, ई मेजर से डेवलप हुई है. ई मेजर कॉर्ड बजाया आपने, अभी फिंगरिंग थोड़ा चेंज कर लें. इसमें ई मेजर में हम जनरली फर्स्ट फिंगर और टू थ्री फिंगर यूज करते हैं. अब इसको आप फिंगर फर्स्ट को फ्री कर लीजिए, और जहाँ फर्स्ट फिंगर लगी थी वहाँ पे लगा लीजिए आप सेकंड फिंगर, और ऐसी तरह से आप फोर्थ और थर्ड फिंगर को यूज करिए, और इसको फिर एक फेट आगे ले जाएंगे तो ये आपका एफ मेजर कॉर्ड बन गया. इसी को आगे ले गए जी मेजर कॉर्ड बन गया, सॉरी एफ शार्प, फिर जी, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प. यानी कि ये आपने ई मेजर की जो पोजीशन थी, ई मेजर कॉर्ड बजाया आपने, फर्स्ट फिंगर फ्री कर ली जिससे हम बार बजाएंगे आगे, और इसी को आगे ले गए तो आपका ये बन गया एफ मेजर कॉर्ड, यानी कि ई से एफ, उसके बाद एफ शार्प, फिर जी शार्प, ए. इस तरह से जैसे नोट चलते हैं वैसे ही चलते आएगा, यानी कि ई. आप प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं, ई मेजर बजाया आपने, उसके बाद फिर एफ, फिर एफ शार्प. इस तरह से आप कॉर्ड्स के नाम भी याद करते हैं, आपको नाम याद दिया था, उसके बाद फिर जी, फिर ए शार्प, फिर बी. इस तरह से ये आपका कॉर्ड्स है. एक पोजीशन तो ये हो गई आपकी. अब एक पोजीशन है ये ए मेजर की, आपने ए मेजर बजाया, ए मेजर ओपन कॉर्ड है. इसी को आप आगे ले गए, एक फ्रेट आगे ले गए, और फर्स्ट फ्रेट पे, यानी कि आपका सेकंड फ्रेट फ्री हो गया, यानी कि फर्स्ट पे हो गई ए, अपना सेकंड फ्रेट पे था जो ए की पोजीशन थी, उसको एज इट इज अपन थर्ड फ्रेट पे ले गए, और ये जो फर्स्ट फ्रेट है उस पे अपने बार बना लिया, तो ये बी फ्रेट बन गया. ऐसे ये बी, सी, फिर सी शार्प. तो एक पोजीशन आपकी, एक तो ई मेजर से बनी ये पोजीशन, और एक तरह से ये पोजीशन बनी ए मेजर से, राइट. ये आ गया
अब इस तरह से हमने डी मेजर बजाया ओपन में, डी से दिशा ई एफ एस शार्प इसी शिफ्ट लग जाएंगे तो अकॉर्डिंगली अच्छा हो जाएगा, यानी कि ये डी मेजर से कॉर्ड बनेगा, डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प और ए। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक कॉर्ड कई जगह कई तरीके से बज सकता है, तो ये अपने डी से बजाया। राइट, अब ये तो हो गई मेजर कॉर्ड्स की बात, अब इन्हीं पोजीशंस को हम माइनर करना हो तो हमें क्या करना होगा, ये जो एफ मेजर था इस पे ये फिंगर हटा लिया हमने, सिर्फ इस सेकंड फिंगर हटा लेंगे तो ये एफ माइनर कॉर्ड बन जाएगा। ये देखिए ये मेजर कॉर्ड है और ये हटा लिया तो ये माइनर कॉर्ड बन जाएगा, ऐसे अच्छा माइनर होगा, जी माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, इस तरह जाते हैं। ठीक है, एक ये पोजीशन है अपनी, ये जो बी फ्लैट मेजर है इसी को हम इसमें ये फिंगरिंग जो है ये देखिए ये ऐसे हो जाएगी, ये फिंगर ऐसे आ जाएगी ये, उसके बाद ये तो ये हो गया बी फ्लैट माइनर, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, इस तरह से ये माइनर कॉर्ड पोजीशन हो जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पे आपको ये तीन शेप याद करनी है, एक तो ये माइनर वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। आप जब भी खाली वक्त हो, जब आपको लगे कि थोड़ा कम समय है लेकिन प्रैक्टिस करने का मन हो रहा है, हम क्या प्रैक्टिस करें, तो आप ये आपने ये पोजीशन बजाई, इसी में एक ही फिंगर ऊपर ले लिया आपने, शिफ्ट कर लिया सिर्फ इन तीन फिंगर्स को, ये फर्स्ट बार तो ऐसा कर जाएगा, ये जो फिंगर्स है इनको एक एक, यानी कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ पे था इसको आपने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे ले लिया, तो ये एक पोजीशन बन गई, और इसके साथ इस इन तीनों को आपने एक फ्लैट पे ले लिया तो ये एक पोजीशन बन गई। इन तीन पोजीशन को आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी कॉर्ड्स के ऑलमोस्ट आप सब शेप्स को इजीली सीख पाएंगे इसके बाद। ठीक है ना, ये आपकी तो इस तरह से कॉर्ड्स की शेप्स को आप याद कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप फिर देखिए गिटार में सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपने एक शेप याद कर ली तो आपको बाकी कॉर्ड्स सिर्फ नाम याद करने हैं उनके और आपको आराम से कॉर्ड याद आएगा। इसीलिए सेकंड स्टेज में गिटार थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ शेप एक शेप याद करनी है, उसके अकॉर्डिंग सारी शेप से आप पूरा गिटार कॉर्ड्स प्ले कर लेंगे। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है गिटार में कि आपको हर बार कुछ नया नहीं सीखना, एक पोजीशन आपने याद की उसी को आगे बढ़ते जाइए और उसके नाम चेंज होते जाएंगे और लेकिन आपकी पोजीशन वही क्यों रहेगी, तो आपको बजाने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्ड्स का। तो कॉर्ड्स के लिए बस आपको मान के चलिए, मेरा मानना है 15-20 दिन आप हार्डवर्क कर लेंगे कॉर्ड्स के ऊपर तो थोड़ा सा आपको कमांड आनी शुरू हो जाएगी, आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे और धीरे 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 करके फिर आप बजाने लग जाएंगे। अलग अलग रिदम्स को बजाने की प्रैक्टिस करें, शेप्स को अच्छे से याद करें और शेप की पोजीशंस को याद करके स्ट्रांगली इनको बजाएं और स्वीटली इनको बजाने की कोशिश करें। जो स्वीटनेस है कॉर्ड्स में वो आपको धीरे धीरे आएगी, है ना। आपका हाथ का लूज होना, आपके हाथ का स्मूथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हार्ड हाथ होगा तो आपका जो साउंड होगा वो बिल्कुल भी बेटर नहीं होगा और सुनने वालों को वो कॉर्ड्स बहुत अखरेंगे। खासकर जब आप बैंड में प्ले करेंगे तो आपका गिटार अलग नहीं बोलना चाहिए, वो सिंग करना चाहिए आपके अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। देखिए एक तो क्या होता है कि हम किसी रिकॉर्डिंग म्यूजिक के साथ फॉलो करते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ेगा, जैसा रिकॉर्डिंग म्यूजिक में जो रिदम बज रही है, जो कॉर्ड्स का पैटर्न बज रहा है वैसे ही आपको प्ले करना होगा। एक होता है लाइव म्यूजिक जहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करते हैं रिदम वाले भी सिंगर्स भी, तो वहाँ आपको थोड़ा सा उनके माइंड सेट को समझना होगा कि रिदम वाला जो रिदम प्लेयर है वो कैसे इसको अपने रिदम्स को खेल रहे हैं। देखिए टाइमिंग वही रहेगी, 4/4 में तो 4/4 रहेगी, 3/4 रहेगी, लेकिन उसमें वो वेरिएशंस पैदा करते हैं अपने स्किल दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको भी वो स्किल दिखाने के लिए आपको भी उसके अकॉर्डिंग अपने आपको ढालना होगा और वो आपको प्ले करना होगा। ये नहीं कि आप वो तो ड्रामर तो आपको कुछ अच्छा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और आप सिर्फ उसको एज इट इज प्ले कर जा रहे हैं तो वो फिर बहुत मोनोटोनस रहता है, बहुत बोरिंग लगता है, वो साउंड अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो आपको भी अगर लाइव में बैंड के साथ आप प्ले कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इनोवेटिव बनना होगा और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना होगा आपको, जैसा रिदम वाला कर रहे हैं या उनसे कुछ अलग करना चाहें, लेकिन वो ऐसा ना लगे कि वो अलग जा रहा है, वो उसके साथ सिंग करना चाहिए। उस जो भी सॉन्ग है, जो मेलोडी है, वो उसके साथ बिल्कुल उसके साथ सिंग करेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा और आप उस बैंड में अलग नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको आपके रिदम सेंस, आपका जो रिदम पैटर्न बजाने का तरीका है वो आपका बहुत मैटर करेगा। आप सोलो बजा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको बजाते हैं, अगर मान लो आप गा के खुद बजा रहे हैं, आप खुद ही गाते हैं, खुद ही बजाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आपको कम करना होगा खुद को। तो इस तरह से गिटार प्लेयर को अपने आप को कई पार्ट्स में भागना पड़ता है, कई बांटेंगे आप अपने आप को जैसा जैसा माहौल है, जैसा आप जहाँ सिचुएशन में आप बजा रहे हैं। बेसिकली एनकाउंटर है म्यूजिक का, आपको एनकाउंटर होता है आपका अलग सिचुएशन से।
कभी किसी आर्टिस्ट के साथ, कभी किसी आर्टिस्ट के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कोई बिगनर्स के साथ में, कोई नौसिखिए सिंगर के साथ में, कोई प्रोफेशनल सिंगर के साथ में, आपको अलग सिचुएशन मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ढालना होगा और वो सब चीज़ें आप सीख गए तभी आप अच्छे म्यूजिशियन बन गए, आप अच्छी म्यूजिशियन आपके अंदर आ गई। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको जब भी प्ले करें आप साफ और स्मूथ प्ले करने की कोशिश करें, उसके लिए खूब प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ लूज होता जाएगा और आप अच्छा प्ले करने लग जाएंगे। और कॉर्ड्स और लीड दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों पे आप फोकस करें और खूबसूरती को लाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में आज का हम वाइंड अप करते हैं। तो हमने देखिए, हमने मेजर स्केल सीखे, माइनर स्केल सीखे, हमने कॉर्ड सीक्वेंस सीखी, राइट, कॉर्ड्स की प्रोग्रेशन सीखी हमने कुछ, और कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि स्विचिंग की प्रैक्टिस करनी है हमको टाइमिंग के साथ, स्केल्स बजाने हमको टाइमिंग के साथ, थोड़ा बेसिक गिटार का ट्यून करना, गिटार की बॉडी के पार्ट्स, ये हम तीन दिनों में हम सीख पाए हैं। और मुझे लगता है कि आपके लिए, खासकर बिगनर्स के लिए, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा सेशन। और आपको लगता है कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के, तो पहला क्वेश्चन है कि गिटार में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कॉर्ड्स या लीड? जी देखिए, मैंने आपको बताया लीड और कॉर्ड दोनों का अपना एक अपना रोल है, है ना। तो जैसे हम ये नहीं बता सकते हैं हमारी आंख ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा मुंह ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना बॉडी के पार्ट में, ठीक ऐसे गिटार में क्या है, दोनों की सेम इम्पोर्टेंस है। कई जगह पे आपको लीड प्ले करनी पड़ती है, इवन बहुत सारे सोलोज हैं जिनको आप जब प्ले होते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि कौन सा सॉन्ग है, तो वो लीड का कमाल है, लीड की खूबसूरती है, जब आप उसको प्ले करते हैं तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये गाना है। सेम चीज़ कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स भी बेसिकली हारमोनी है, तो जब आप खूबसूरत हारमोनी करेंगे किसी खूबसूरत मेलोडी के साथ में तो वो एक खिल के आती है, तो उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो मेरे हिसाब से दोनों का 50-50% रोल है, अगर आप 100 में डिवाइड कर रहे हैं तो 50% लीड और 50% कॉर्ड्स। दोनों लोग जो है वो लीड को अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरा मानना है लीड पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए, वरना आप सिर्फ कॉर्ड कॉर्ड बजाएंगे तो आपका हाथ जम जाएगा, आप फिर उतना मूवमेंट फ्रीली नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको दोनों पे इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए, जिससे आप कुछ अच्छा म्यूजिक के अच्छे सोलोस बजाएं, आप अपना कुछ सोलो डेवलप करें या अपनी कोई मेलोडी कंस्ट्रक्ट करें, तो आपका लीड पर अच्छा कमांड होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। और उसके बाद कॉर्ड्स का तो रोल है ही, नो डाउट, क्योंकि कॉर्ड्स तो बेसिकली गिटार अकम करने में कॉर्ड्स ही यूज होते हैं, तो अकम्पनीमेंट में गिटार के कॉर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जब आप सोलो प्ले करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अलग दिखें अपने लीड पे, तो आपको सोलो लीड भी आनी बहुत अच्छी जरूरी है। सर दूसरा क्वेश्चन है कि कॉर्ड्स की टाइमिंग सही करने के लिए क्या सही तरीका है? टाइमिंग के लिए मैंने बताया आपको, जैसे राइट हैंड जो है वो आपका प्रॉपर टाइमिंग के साथ चलना चाहिए, यानी कि 1 2 3, जैसे घड़ी की जो सुई चलती है वो क्लिक बिल्कुल उस पे है ना, सेकंड चलते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, 1 2 3 4, सेम इसी तरह से आपका जो पल्स जो चल रही है आपकी, पल्स आपकी प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। हार्ट बीट की एक पल्स होती है, जैसे पल्स गड़बड़ाएगी आपकी बॉडी आपकी इम्बैलेंस रहती है, आपका हार्ट काम करना मन करता है तो आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। सेम इस तरह से जब आपकी पल्स जो है प्लेइंग की वो अगर हिल गई, आप पल्स के अकॉर्डिंग नहीं बजा रहे हैं, तो फिर आपकी विदम टूट जाएगी या बिखर जाएगी, और विदम बिखरते ही आपकी आपको फिर वो आप आउट नजर आएंगे। तो आउट होना नहीं है बिल्कुल भी विदम में, आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैंने कहा जो मेट्रोनोम है सबसे बेस्ट तरीका है, आप मेट्रोनोम लगाएं और उसके अकॉर्डिंग डाउन अप डाउन अप प्रैक्टिस करें, और उसके बाद उसमें फिर वेरिएशन डाउन अप डाउन अप, ये फिर आप जैसा भी आप इम्प्रोवाइजेशन जो भी करना चाहें वो आपका, लेकिन विदन साइकिल वो होना चाहिए और टाइमिंग के अंदर होना चाहिए। तो ये तरीका यही है कि आप मेट्रोनोम का सबसे ज्यादा यूज करें, विदाउट मेट्रोनोम बजाएंगे तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप आउट हो जाएं। सर अब एक रिक्वेस्ट थी हमारे व्यूअर्स की कि आप एक गाना गा के सुनाएं। गाना गा के सुनाऊं? हाँ जी। अरे गाने का तो मैं खैर बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है देखिए जनरली गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया ला 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 सॉरी। देखिए मैं बेसिकली गिटारिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, तो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर, इट वाज ग्रेट बीइंग विद यू फॉर ऑल दीस सेशंस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू।
And thank you so much, everyone, for being with us throughout all our sessions. I hope you all had fun and enjoyed a lot. Thanks a lot. Ab hum sab milenge bahut jald hamare naye online learning sessions ke saath. Till then, stay home, stay safe, keep learning. Goodbye.